जब हम रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनोग्राम की बात करते हैं सो so हमें हमारे पास फ़ौर ये आइडिया होना चाहिए कि एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितनी फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करती है सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट फॉर्मेट्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरीके से ऑर्गेनोग्राम की शक्ल में हमारे सामने आती हैं वी विल गिव यू एग्जाम्पल्स ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पिक्टोरियल इमेज तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन वो हमारे पास है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से इसके नाम से जाहिर है द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है जो ऑर्गेनोग्राम जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब फंक्शन की बेसिस के ऊपर है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक इमेज मौजूद है द ऑन द टॉप इज द वाइस प्रेजिडेंट यू कैन कॉल प्रेजिडेंट यू कैन कॉल सी ई जो डिफरेंट तरह के द टॉप गाए ऑन द टॉप लेकिन जो ओरिजिनल जब हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की बात करते हैं तो वो इन लोगों की ही हम बात कर रहे हैं सो so, वो शख्स जो के सेल्स प्रमोशन कर रहा है वो सेल्स प्रमोशन मैनेजर है वो शख्स जो के मर्चेंडाइज़ को कंट्रोल कर रहा है मर्चेंडाइज को मैनेज कर रहा है ही इज़ मर्चेंडाइजिंग मैनेजर इसी तरीके से जो एच से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर बात कर रहा है ही इज़ पर्सनैल मैनेजर जो एक्चुअली स्टोर ऑपरेशंस को देख रहा है वो स्टोर ऑपरेशंस मैनेजर यानी के उनका जो भी जॉब फंक्शन है अगर उसकी बेसिस के ऊपर आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएं तो द दर्गेनाइजेशन चार्ट विल लुक लाइक दिस एंड दिस विल कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट तो हमारे पास इस तरीके से कंट्रोलर की एग्जाम्पल भी मौजूद है कि वो शख्स जो कंट्रोलिंग का, का काम कर रहा है वो कंट्रोलर है तो ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब फंक्शन अगर हम ऑर्गेनोग्राम बनाते हैं तो वो ऑर्गेनोग्राम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहलाता है हम दूसरी फॉर्म की तरफ आते हैं दूसरी टाइप की तरफ आते हैं रिटेल ऑर्गेनाइजेशन की वो कहलाती है प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन तो अगर तो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट हो तो वो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है अब प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास मेंस आउटवेयर की बात भी हम कर सकते हैं हमारे पास ये यह यहाँ पर एग्ज़ाम्पल जो है वो लेडीज़ आउटवेयर के हवाले से है इंजनी के हवाले से है अप्लायंस के हवाले से है इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजर हो सकता है सो so, जो भी रेलिवेंट प्रोडक्ट कैटेगरी का इंचार्ज होगा उसका एक ऑफ कोर्स उसका एक रोल होगा तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको एक मैनेजर हमने असाइन कर दिया है लेट से अगर वो फ्रूट्स का कोई डिपार्टमेंट है तो उसका फ्रूट्स का मैनेजर जो है ही विल बी कंसिलड एज हेयर एज फ्रूट मैनेजर और लेट से वेजिटेबल्स का मैनेजर और बेकरी का मैनेजर और डेयरी का मैनेजर और टॉयलेटरीज का मैनेजर बेवरेज का मैनेजर सो अगर तो जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स या डिपार्टमेंट के बना हुआ है तो एक्चुअली वो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहलाता है जिस तरीके से यहां पे एग्जाम्पल के अंदर अप्लायंस मैनेजर की एग्जाम्पल लिखी हुई है सो दिस गाय विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लायसेज प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर स्टोर और ऑब्वियसली इनकी रिपोर्टिंग जो है वो स्टोर मैनेजर को है स्टोर मैनेजर को स्टोर जनरल मैनेजर भी कह रहे होते हैं और एक्चुअली ही इज द फादर ऑफ द स्टोर ही इज एक्चुअली द सी ओ ऑफ अ रिटेल स्टोर हम थर्ड टाइप की तरफ आते हैं थर्ड फॉर्म की तरफ आते हैं विच इज जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन तो जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से उसके नाम से विजिबल है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ तो जियोग्राफी होगा विच मीन्स अगर आपके स्टोर लोकेशन जो हैं वो लेट्स यू हैव फोर डिफरेंट स्टोर इन फोर डिफरेंट सिटीज तो यहां पर स्टोर मैनेजर ऑफ लाहौर स्टोर मैनेजर ऑफ कराची स्टोर मैनेजर ऑफ इस्लामाबाद स्टोर मैनेजर ऑफ पिशावर सो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर जो आपका मैनेजमेंट स्टाफ है और वो रिपोर्ट करें ऑफकोर्स टू देशन डायरेक्टर या टू दाइस प्रेजिडेंट ऑफकोर्स डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन या टू दी मैनेजिंग डायरेक्टर सो हू सो इज एट द टॉप विल रिमेन एट द टॉप लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी बना हुआ है यानी कि डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर बना हुआ है नेक्स्ट के ऊपर हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन ये रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है अब जिस तरीके से इसके नाम से विजिबल है नाम से जाहिर है कि ऑफ़ कोर्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन सो कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट इफ़ यू सी कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेल स्टोर लोकेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ जो पहला था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तो अगर ये फंक्शन से रिलेटेड टास्क को और लोकेशन से रिलेटेड पोजीशंस को अगर हम एक ही ऑर्गेनोग्राम के अंदर दिखाना चाहें एक ही ऑर्गेनोग्राम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन और हायर के अंदर दिखाना चाहें सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सो एट द टॉप इज द वाइस प्रेजिडेंट और द प्रेजिडेंट और द मैनेजिंग डायरेक्टर और उसके बाद नीचे जो पोजिशन हमारे पास मौजूद हैं ये वो हैं जो कि फंक्शन हैं फंक्शनल पोजिशन हैं जो कि नॉर्मली आपने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर देखी थी

लोकेशन बी का मैनेजर और लाहौर का मैनेजर या कराची का मैनेजर सो so ये डिफरेंट लोकेशन है तो एक्चुअली जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और जो हमारे पास जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं और उसमें प्रोडक्ट के हवाले से भी प्रोडक्ट को भी ऐड कर देते हैं जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लेट्स से डिफरेंट कैटेगरीज मेन से रिलेटेड लेडीज से मेन क्लोदिंग और लेडीज़ क्लोदिंग के हवाले से सो so, हम कंबाइन कर देते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को तो वो कहलाता है हमारे पास कंबाइन या कम्बिनेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ये एक्चुअल कम्बिनेशन है उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का जो कि अभी इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं फिर हम क्विकली डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूज बाय स्मॉल इंडिपेंडेंट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं स्मॉल इदारों की बात करते हैं हमारे पास टू केसेस हैं टू एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये हमारे पास लग से एग्जाम्पल नंबर वन है तो ऑनर या मैनेजर है सो एट द टॉप नॉर्मली स्मॉल बिजनेस के अंदर इज द द प्रोपराइटर हु इज एक्चुअली रनिंग द बिजनेस तो यहाँ पे बुटीक की एग्जाम्पल लेडीज बुटीक की एग्जाम्पल है तो इट कैन बी ऑनर इट कैन बी शॉप मैनेजर एट द टॉप और ऑफकोर्स उसके पास दो तरह के लोग हैं एक सनल विच इज फॉर ऑपरेशन पर्सनल और एक पर्सनैल विच इज फॉर द मर्चेंडाइजिंग तो दो तरह से उसके पास लोग यहाँ मौजूद है इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ये नॉर्मली कोई भी स्मॉल इदारा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉलो कर रहा होता है इसी तरीके से तो हम एग्जाम्पल बी की बात कर लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं वेयर द टॉप इज द और द मैनेजर जो के लीडिंग रोल में है ही इज द प्रोपराइटर और आइदर द शॉप मैनेजर ये एक फर्नीचर स्टोर की एग्जाम्पल है तो यहां पर लेट्स से एक पर्सनल कैन कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बेडरूम फर्नीचर वन पर्सनल कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग रूम फर्नीचर वन पर्सनल कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट्स डाइनिंग रूम फर्नीचर और फर्नीचर रेंटल फर्नीचर और मे बी ऑफिस फर्नीचर और मे बी किड्स फर्नीचर तो हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर का देर कुड बी अ डिफरेंट मैनेजर सो इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन लेकिन को बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ नहीं होती है एक स्मॉल इंडिपेंडेंट बिजनेस के अंदर क्योंकि वो छोटे से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा होता है लेकिन बिकॉज इट इज़ अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्टिल उसके अंदर आपको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नजर आएगा फिर हमारे पास कोई एग्जाम्पल है रिटेल स्ट्रक्चर की जो कि नॉर्मली एक डिपार्टमेंटल स्टोर फॉलो कर रहा होता है इसको हम बेसिक मेजर ऑर्गेनाइजेशन प्लान कहते हैं फॉर डिपार्टमेंटल स्टोर अब डिपार्टमेंटल स्टोर की मैं क्विकली अगर एग्जाम्पल दू तो ऑन द टॉप इज दी दिस इज द टॉप सो ऑन द टॉप इज द प्रेजिडेंट फॉलोड बाय द जनरल इज अ जनरल मैनेजर एंड देन देर आर डिफरेंट डायरेक्टर्स द जनरल मैनेजर और रिसर्च डायरेक्टर एंड सो एंड सो एंड वी हैव दी दर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शन मर्चेंडाइजिंग फंक्शन ऑपरेशन फंक्शन मार्केटिंग फंक्शंस सेल्स फंक्शन एच आर फंक्शंस एंड देन उसके बाद फिर हमारे पास देन देर इज अ सेकेंड लेयर जो कि डेडिकेटेड रोल से रिलेटेड है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं पब्लिसिटी मैनेजर की जो कि ये है तो पब्लिसिटी मैनेजर के अंदर पब्लिक रिलेशन वाला रिसोर्स अलग होगा डिस्प्ले वाला रिसोर्स अलग होगा एडवर्टाइजिंग वाला रिसोर्स अलग होगा मार्केटिंग वाला रिसोर्स अलग होगा सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री फोर पीपल विल बी रिपोर्टिंग टू दी पब्लिसिटी और मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर और फिर इसी तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है टिल जो हमारे पास सेल्स पीपल हैं उस तक जाता है वो लोग जो स्टोर के अंदर एसोसिएट हैं उस तक ये स्ट्रक्चर जाता है तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट और दी एमडी और द सीईओ ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन गोज अप टिल सेल्स एसोसिएट जिसको यहाँ स्टॉक पीपल के तौर पे लिखा गया है इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर इस तरह का आपको रिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो नजर आएगा इसी तरीके से एक और हमारे पास रिटेल स्ट्रक्चर आपके सामने है ये नॉर्मली चेन स्टोर्स इसको फॉलो इस तरीके से करते हैं दिस दिस को इज कॉल्ड द इक्वल स्टोर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट नॉर्मली ये चेन यूज कर रहे होते हैं सो एट द टॉप इज अगेन द प्रेजिडेंट एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च डायरेक्टर लीगल स्टाफ अगेन फंक्शनल रोल जिस तरीके से पहले हमने डिस्कस किया है और उसके बाद हमारे पास जिस तरह फंक्शनल रोल में लेट्स से पे आपको जनरल मर्चेंडाइज मैनेजर नजर आ रहा है नाउ मर्चेंडाइज मैनेजर विल हैव फूड कैटेगरी और नॉन फूड कैटेगरी एंड देन देर आर डिफरेंट बायर्स बायर्स फॉर डेयरी बायर्स फॉर फिश बायर फॉर मीट एंड देन नॉन फूड मैनेजर बायर फॉर ब्लट से इलेक्ट्रॉनिक्स बायर फॉर अपलाइंस बायर फॉर क्लोदिंग सो अगेन बायर्स उसके नीचे और दैन ऐट दी एंड हमारे पास ये बिल्कुल एंड तक स्टोर स्टाफ तक जाता है नॉर्मली जब हम चेन स्टोर की बात करते हैं तो दे हैव सेंट्रलाइज फंक्शन एट दाइंग फंक्शन की बात करें एट दैड ऑफिस लेवल एंड देन जो स्टोर हैं वो दे हैव द स्टाफ स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोर मैनेजर दैन फ्लोर मैनेजर्स डिपार्टमेंट मैनेजर्स एंड एंड अप इनटू सेल्स पर्सनल तो हमारे पास एक चेन स्टोर्स इस तरह का एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्विकली हम इसके एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट किस तरीके से है बाई यूज बाई दे डाइवर्सिफाइड रिटेलर्स तो डाइवर्सिफाइड लीडर को कौन है जो कि रिटेलर जो कि मल्टी लाइन फॉर्म ऑपरेटिंग अंडर सेंट्रल ऑनरशिप जिस तरीके से एग्जाम्पल टॉयजार एस की है इनकॉरपोरेशन इसके अंदर टॉएजार एस पी है किड्स आर एस पी है बेबीज आर एस पी है सो देआर थ्री डिफरेंट ब्रांड नेम्स जो कि ऑपरेट हो रहे हैं थ्री डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स जो कि ऑपरेट हो रहे हैं बट दी ओनरशिप इज सेंट्रल तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट यूज होता है वो स्ट्रक्चर यूज होता है वो इस तरीके से आपके सामने विजिबल है ये एग्जांपल है टॉयज आर अस इन कॉरपोरेशन की जो कि यूएसए की वन ऑफ द टॉप रिटेल्स में से एक है तो अगेन एग्जाम्पल ले लेते हैं टॉप के ऊपर इज द प्रेजिडेंट और उसके बाद अगेन लीगल स्टाफ या पर्सनल जो आपका रिसर्च डायरेक्टर उसके हवाले से फिर फंक्शनल रोल फंक्शनल रोल के बाद हमारे पास वो लोग हैं जो कि उस फंक्शनल रोल को रिपोर्ट करते हैं जिस तरह ऑपरेशन मैनेजर की बात थी तो उसके पास इन्वेंट्री मैनेजर मैंटेन्स मैनेजर एंड देन पर्सनल का मैनेजर पर्सनल डायरेक्टर और पर्सनल इंचार्ज पर्सनल एग्जीक्यूटिव वो और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं स्टोर मैनेजर्स की तो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं ऑपरेशन मैनेजर भी और सेल्स मैनेजर भी एंड देन उनको डिपार्टमेंट मैनेजर्स और फिर उसके पास सेल्स पर्सनल या सेल्स एग्जेक या स्टोर एसोसिएट एट द एंड तो टॉयज दस का ये ये स्ट्रक्चर यूज होता है तीनों तरह की फॉर्मेट्स के ऊपर बेशक वो बेबीज आ रस है या वो किड्स आरस है या वो टॉयज आ रस है तीनों केसेस के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो यूज होता है तो हमने आपके सामने ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंगल इंडिविजुअल रिटेल स्टोर जो कि एक स्मॉल इंडिपेंडेंट रिटेल स्टोर से लेकर चेन स्टोर तक का फॉर्मेट हमारे पास मैंने आपसे डिस्कस किया है तो दिस कैन गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टिल बॉटम टिल द स्टोर स्टाफ कौन कौन से ऐसे लोग हैं कौन किस तरीके से आइदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी किस तरीके से डिजाइन होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिटेल स्टोर तो एक रिटेलर को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करना है एंड इट इज ए की फॉर सक्सेस for him, for his business.